मैं जैन नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। तो जब जैन समाज पर इतना बड़ा संकट आया है तो मेरा भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है। मैंने कुछ पंक्तियां तैयार की, रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन रिकॉर्डिंग करके जो ही उसको लॉन्च करने वाला था उसी दिन संथारी पे स्टे आ गया। तो मैं इसी में बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, परमात्मा ने थोड़ी बहुत तो मेरी सुनी, उसको हमें मार्केट में लाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन वो पंक्ति आपके बीच में जरूर गाना चाहूंगा, एकदम ध्यान से सुनो। ना मन से कर्म से वाणी से, ना मन से कर्म से वाणी से किसी को हिंसा पहुंचानी है, लेकिन जो हमारे साथ हुआ उस बात पे भी हैरानी है। एक जैनी होने के नाते मेरा इतना ही कहना है, जिनवर ने जो राह दिखाई हमें उन राहों में ही रहना है। संथारे पे रोक लगाने की जिसने आदेश सुनाया है, उस न्यायाधीश को धन्य कहो जिसने की हमको जगाया है। वो मात्र एक दिन था इस पूरे इतिहास में। कैलाश जी, मेरे जीवन में जो मैंने देखा है, कहीं दिगंबर, कहीं श्वेतांबर, कहीं मंदिर मार्गी, कोई स्थानकवासी, तेरापंथी, तीनथुई, इतने, ये मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ धर्म के मामले में, लेकिन शायद व्यवस्थाएं बनाने के लिए ये सब किया है, सब अपनी अपनी जगह बहुत सही है। लेकिन वो एक दिन ऐसा था जब पूरा जैन समाज केवल जैन समाज था, ना कोई दिगंबर था ना श्वेतांबर था, सब लोग एक हो गए थे। हम जोरदार तालियों से अनुमोदना करें उस न्यायाधीश की जिसने हमको जगाया है, एक शेर को जगा दिया। उस न्यायाधीश को धन्य कहो जिसने की हमको जगाया है। हम जाग गए, हम एक हुए, है दुआ हमेशा एक रहे। हम आदि काल से नेक रहे, अनंत काल तक नेक रहे। हम आदि काल से नेक रहे, अनंत काल तक नेक रहे। जैन किसे कहते हैं? जीते जी खुद को जो जीते, जीते जी खुद को जो जीते, वो ही जैनी कहलाते हैं, वो शूरवीर ही होते हैं जो संथारा कर पाते हैं। इस जैन धर्म के कर्मों को गांधी जी ने अपनाया था, अपना के राह अहिंसा की, अंग्रेजों को भी हराया था। फिर ये सारे तो अपने हैं, अपनों की बात को मानेंगे जब संयम त्याग को समझेंगे, संथारे से रोक हटा देंगे, संथारे से रोक हटा देंगे, संथारे से रोक हटा देंगे।